हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला, तो मैं बनाने जा रही थी पकौड़े। तो मैंने सोचा क्योंकि क्यों ना इस चीज़ का एक ब्लॉग बना लिया जाए। तो क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे, सबकी अलग अलग चॉइस है, तो हमारे घर में बहुत सारे बच्चे और सबकी अलग अलग चॉइस है, इसलिए मैं सबकी पसंद के अलग अलग पकौड़े बनाने वाली हूँ, जैसे आलू के, पनीर के, प्याज के। तो चलिए बने रहना मेरे ब्लॉग में, मैं आपको दिखाती हूँ पकौड़े की रेसिपी। तो गाइस, बच्चे आ चुके हैं अपने पकौड़ों की डिमांड लेके, तो मैं इन सब के लिए फेवरेट पकौड़े भी बनाने वाली हूँ। अरे उसको देखो, तेरे को कौन से चाहिए, आलू, प्याज या पनीर, जल्दी बोल। आप बताओ, इतना टाइम नहीं मेरे पास। आलू, और आपको? आलू प्याज मिक्स। आप बोलो पनीर प्याज मिक्स। प्याज मिक्स, ठीक है। तुझे पनीर के नहीं खाओगे? तो पनीर के मैं खा लूंगी। फिर एक बच्चा और है, तो आपने देखा कि पनीर के पकौड़े कोई नहीं खाना चाहता, पर मैं काट चुकी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी मैश कर देती हूँ, इसमें मिक्स कर देती हूँ, पता ही नहीं चलेगा इनको आलू की प्याज है। आइडिया। और मेरे बालों को थोड़ा इग्नोर करो यार, पकौड़े बनाते टाइम ऐसा ही हेयर स्टाइल रहेगा, पता कितनी गर्मी है, फिर भी बना रही हूँ मैं। मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, सरसों का ऑयल है, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाई दिया, अभी मैं बेसन जो है उसमें मसाले मैंने मिला दिए, सब घोल बना लिया। तो पकौड़े के बैटर में मैंने एक छोटी चम्मच दही डाला है, अगर हम दही डालते तो पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनते, अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर। ऑयल मेरा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, इसलिए मैंने गैस ऑफ कर दी है, और बैटर भी तैयार है। तो अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। जो पनीर है उसको मैं बैटर में मिक्स कर लेती हूँ, ताकि बच्चे पनीर के पकौड़े भी खा लें, उन्हें पता ही ना चले कि इसमें पनीर भी लगा है। कुछ पनीर स्लाइसेस मैंने मेरे लिए बचा लिए, क्योंकि मुझे पनीर के ही पकौड़े खाने। तो दोस्तों, अब हम इस तरीके से कुछ बैटर को लेंगे और गोल 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 बना लेंगे। यह है आलू, पनीर और प्याज का बैटर, ये देखो इस तरीके से। तो गाइस, बोल मैंने बना ली है, अब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं, और ये अलग से बनाऊंगी और ये अलग से। तो चलिए, ऑयल ठंडा हो गया, अब हम इसको ऑन कर लेते हैं फिर से। तो एक एक बोल को हम इसमें डिप करेंगे और ऑयल में डालेंगे। अब ये कुछ लहसुन है कटा हुआ, पहले मैं ये डाल देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बटाटा वड़ा भी बोल सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आलू को बनाया ना, इसको बटाटा वड़ा बोलते हैं। इसी तरीके से मैं अपने बाकी पकौड़ों को भी तल के फटाफट से डाल देती हूँ। अपने हाथ गंदे ना करते हुए मैं यूज करूँ स्पून का। सो गाइस, देखिए मैंने सारे पकौड़े अच्छे से तल लिए हैं, या आप फिर आप इनको बटाटा वड़ा भी बोल सकते हैं, बस इनको बटाटा वड़ा ही कहते हैं जो इस तरीके से बनाए जाते हैं ना, कितने सुंदर लग रहे देखने में। एक पिक ले लेती हूँ मैं इसकी, इस पे लगाने के लिए ना। आलू पनीर के पकोड़े मेरे बन चुके हैं, अभी मैं बना रही हूँ पनीर और प्याज के पकोड़े। वैसे इसमें पनीर ज़्यादा है और इसमें है सारे अनियन, सो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पेपर ले लिया था पकोड़ों को सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं कि मेरे सारे यमी यमी पकोड़े बनके रेडी हैं। आप देख सकते हैं पकोड़ों की प्लेट चट हो चुकी है, और आप यकीन नहीं करेंगे मैंने इतनी मेहनत से बनाए, मुझे सिर्फ दो पकोड़े मिले हैं, और सारे पकोड़े ये और ये और एक और चट कर गए। दो पकोड़े खाए मैंने, दिए फाइव थे। एक बस इनको शर्म नहीं आती। दोस्तों, मैंने दिखाया था ना प्लेट कितनी भरी थी, सबूत है वीडियो में, सारे चट हो गए, वो सारे चट हो गए। दोस्तों, पकौड़े इतने टेस्टी थे ना। मैं कुछ पार्टी देने वाली हूँ, मेरे 300 सब्सक्राइबर हो गए, और लोग मुझे ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके लोग अच्छे लग रहे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कितने पकौड़े मिले थे तुझे? कितने? पांच दिए थे। हाँ, ये बच्चा सबसे अच्छा है, सच्चा बच्चा। और कैसे लगे खाने में? बढ़िया। कैसे लगे? ओ भाई साहब।
भगवान क्या करेगा, क्या करेगा? दोस्तों पकोड़े बना के मेरा कुछ ऐसा बुरा हाल हो चुका है, लेकिन अभी अभी मुझे याद है कि मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए।